आज मैं बना रही हूँ सूजी का एक हेल्दी नाश्ता। इसे आप बहुत कम तेल में बना पाएंगे। नमस्कार, भूमिज किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे हमने लिया है धनिया पत्ता, प्याज कटा हुआ, आलू कटी हुई, गाजर कटी हुई और यहाँ पे दो हरी मिर्च कटा हुआ। इसके लिए हमें 200 से 250 ग्राम सूजी रवा चाहिए। तो एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जो है जीरा डालेंगे। जीरा को थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक 1 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। अभी कटी हुई जो सब्जियां था इसको हम डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें दूसरे सब्जियां वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, इस तरह के छोटे छोटे पीसेस करके बारीक पीसेस में काट के इसमें डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच नमक, क्योंकि हम इसमें सूजी रवा भी डालना है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालें आप नमक। तो आप जितना सूजी रवा का बना रहे हैं उसी हिसाब से आपको डालना है। इसको 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकाएंगे ताकि सब्जियां जो है सॉफ्ट हो जाए। अभी देखिए 1 मिनट के बाद सब्जियां भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक 1 टीस्पून या फिर 1 टेबल स्पून, आपको जितना तीखा चाहिए उसी हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद कटी हुई जो धनिया पत्ता था इसको डालेंगे। अभी हम इसमें 2 बाउल जो है पानी डालेंगे। जिस बाउल में मैंने सूजी लिया था उसी बाउल में 2 बाउल डाल रही हूँ मैं। आप जिस कप में या जिस बाउल में आप ले रहे हैं तो सेम बाउल में आप 2 कप ले सकते हैं पानी। इसके बाद इसको हम उबाल आने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगा के। तो लगभग 5 मिनट के बाद देखिए उबाल आने लगा है पानी में और सब्जियाँ भी अच्छे से पक चुका है। अभी हम धीरे धीरे करते हुए सूजी को मिलाएंगे। एक साथ सूजी को ना मिलाएं, ऐसे धीरे धीरे करते हुए ही मिलाएं, क्योंकि आप एक साथ मिला देंगे तो इसमें गांठे बनना शुरू हो जाएगा और एक जैसा नहीं होगा, एक साथ वो मिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए आप थोड़े थोड़े करते हुए सूजी को डालें। तो देखिए एग्जैक्ट मेजरमेंट हुआ है, मतलब पानी का और सूजी का। तो 1 कप जो सूजी है और 2 कप इसमें पानी डालना है, तो सेम आप मेजरमेंट कप लेना है आपको। तो पानी जो है अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है सूजी में। तो इसको हम लगभग 1 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे ढक्कन लगा के। अभी इसको हम ढक्कन लगा देंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सूजी जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अभी इसके बाद एक प्लेट में डाल के 10 मिनट के लिए इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो लगभग ठंडा हो चुका है 10 मिनट के बाद मैं इसको अच्छे से गूंथ रही हूँ। इसी तरह से आप भी गूंथ लीजिए। तो एकदम सॉफ्ट होने तक इसको गूंथना है, थोड़ा सा पानी या तेल हाथों में डाल के। इसके बाद इसको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। अभी उसी प्लेट में थोड़ा सा लगा देंगे ऑयल, ग्रीस कर लेंगे, इसमें तेल लगा देंगे और जो एक हिस्सा था इसको हम ऐसे फैला देंगे और इसको हम एक बर्फी का शेप देंगे। तो इसको मैंने चारों तरफ से एक जैसा फैला लिया है और किनारे से हम इसको काट देंगे ताकि हमें एक अच्छा शेप मिल जाए बर्फी जैसा। तो इसको साइड से किनारे से जो है हटा देंगे और इसको हम बर्फी का शेप में काट लेंगे। आप जिस शेप में काटना चाहें उसी शेप में आप काट सकते हैं। तो इसको मैंने पीसेस में काट लिया है, देखिए इस तरीके के स्क्वायर पीस में काट लिया है। तो ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी एकदम हेल्दी और टेस्टी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा तिल का जो बीज है इसको डाल के ऊपर से ऐसे दबाते हुए इसको कोट कर लेंगे। तो इससे जो है क्रंची आता है, क्रंचीनेस आता है और एकदम क्रंची होता है खाने में तलने के बाद जो है। तो इसी तरह से बाकी जितना भी है सभी को मैं तिल से कोट कर लूँगी। अभी देखिए ये तैयार है।
फिर से मैंने उसी कढ़ाई को धो के इसमें 2 टेबलस्पून 2 बड़ा चम्मच इसमें तेल डाल दिया है और एक एक करते हुए इसको हम तलने के लिए रख देंगे। गैस का फ्लेम जो है मीडियम या फिर हाई रख सकते हैं। गैस का फ्लेम हाई ही रखें और पलटने की जल्दी ना करें। एक बार अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद ही इसको पलटें। तो लगभग एक बार एक साइड में पकने के लिए आपको 5 से 7 मिनट टाइम लग जाता है, तो पलटने की जल्दी ना करें। तो ऐसे दोनों तरह से पलटते हुए इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको सेक लेना है। देखिए मैंने 2 चम्मच तेल डाला था और जितना का तेल जो है उतना ही कढ़ाई में है। ये पक चुका है ऑलरेडी, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये अभी रेडी है खाने के लिए। आप किसी भी चटनी के साथ परोस सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वाला जो सूजी का गुजिया है इसको भी आप बना करके देखिए। तो चलिए इसका बनाने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 कप, सूजी लिया है 1/2 कप, नमक डालें 1/2 चम्मच या फिर 1 चम्मच आपके स्वाद अनुसार ले सकते हैं। अजवाइन आपको 1 छोटी चम्मच लेना है। यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल या फिर सोयाबीन ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं, इसमें 2 चम्मच बड़े चम्मच। इसके बाद इन सभी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ऐसे देखिए मिक्स करने के बाद जैसे आपके हाथों में मुट्ठी बन जाए इतना तक आपको मिक्स करना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी, पानी ज़रूरत के हिसाब से डालें। इसका हम एक हार्ड डो बनाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, रोटी जैसा। तो ऐसे इस तरीके से आपको एक डो बनाना है और इसको हम रख देंगे अलग से। और यहाँ पे मैं स्टफिंग के लिए बना रही हूँ। यहाँ पे सरसों का तेल मैंने लिया है 1 चम्मच बड़ा चम्मच और इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, 10 से 12 करी पत्ता और उबला हुआ आलू 2। आलू को आप पहले से मैश करके भी ले सकते हैं। तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आलू और बाकी जितना भी सामान है। आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक, नमक आपके स्वाद अनुसार लीजिए। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, उसके बाद गरम मसाला पाउडर आप ले सकते हैं या फिर भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो है अच्छे से एक स्टफिंग हमारा रेडी हो जाएगा। अभी हमारा स्टफिंग जो है रेडी हो गया है। अभी हम इसको गैस बंद कर देंगे और इसको बनाने का तरीका, बनाने का प्रोसेस देखेंगे कैसे बनता है। देखिए डो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और यहाँ पे हमारा आलू का स्टफिंग भी रेडी है। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है। एक बाउल में हम लेंगे मैदा 1/2 कप और इसमें हम पानी डालेंगे और एक इसका भी एक बैटर बनाना है। थोड़ा सा 1/2 कप जैसा पानी ले लीजिए और एक पतला घोल बनाना है इसका। ये देखिए ऐसे कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो ये जो घोल जो है और ब्रेड क्रम्स है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ले सकते हैं या फिर ना चाहे तो आप ऐसे भी इसको तल सकते हैं। तो बनाने के बाद मैं बताऊँगी आपको। फिर से हम थोड़ा सा गूंथ लेंगे जो डो था। अभी एक ऐसे छोटा छोटा बॉल बना लेंगे। तो मैंने सारे बॉल बना लिया है तो इसको एक राउंड शेप में थोड़ा मोटा करके हम एक रोटी बनाएंगे। तो देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। ऐसे एक बॉल ले लीजिए और इसमें ऐसे कटोरी से हम एक काट देंगे इसको, तो पूरा अच्छी तरह से गोल शेप आ जाएगा। आप चाहे तो कोई भी टिफिन बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे इस टाइप का एक राउंड शेप मिल गया हमें। तो उसके बाद इसके अंदर हम भरेंगे आलू का स्टफिंग और इसको हम
थोड़ा सा जो मैदे का मैंने बनाया था घोल, इसको हम लगा देंगे साइड साइड में और इसको हम सील कर देंगे। आप मैदे के घोल की जगह पानी भी ले सकते हैं और साइड से दबा देंगे तो ये अंदर से सील हो जाएगा, आलू का स्टफिंग जो है बाहर से नहीं निकलेगा तलने के समय। अभी एक फॉर्क लेके, काटा छुरी लेके इसमें एक डिजाइन बना देंगे। तो देखिए ये वाला बन गया है डिजाइन। तो इसी तरीके से बाकी जितना भी है हम बना लेंगे। अभी इसमें हम मैदे का घोल जो है इसमें डुबा देंगे और उसके ऊपर से ब्रेड क्रम्स से ऊपर से हम ऐसे कोट कर लेंगे और इसको हम अलग से रखते जाएंगे। तो आप एक साथ बहुत सारे बेल लीजिए, ऐसे गोल गोल कर लीजिए, उसके बाद तीन चार एक साथ ऐसे आप सील कर लें और ऐसे तैयार करके रख लें। ऐसे आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप बना पाएंगे। अब डायरेक्ट इसको तेल में तल सकते हैं, बिना मैदे का घोल और बिना ब्रेड क्रम्स लगाते हुए भी आप डायरेक्ट तल सकते हैं। अभी तेल ऑलरेडी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, तो तेल गर्म हो चुका है और उसके बाद हम तेल में तलेंगे। ब्रेड क्रम्स जो है और मैदे का जो घोल है वो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी आप डायरेक्ट तल सकते हैं बिना ब्रेड क्रम्स और बिना जो मैदे का घोल डाल के। तो इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक इसको मीडियम आंच में इसको तलना है। तो देखिए तलने के बाद इस तरह से आपको आवाज़ आएगा, मतलब एकदम क्रिस्पी बनता है ये। आप चाहे तो इवनिंग स्नैक्स में या फिर ब्रेकफास्ट में किसी भी तरह इसको खा सकते हैं। और इसमें मैंने मैदे का इस्तेमाल नहीं किया है तो बहुत हेल्दी गुजिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें।